क्या लिखना है बाबू? मोम नक्शे लिखना, डिजाइन बनाना है। अरे तो निकल ही नहीं रही। ओह नो, हाँ अब निकल रही है। ये मेहंदी लक्ष्य को इसलिए लगाई जा रही है, और ये लगाने के बाद हम इसको 2 घंटे के लिए इसका हाथ बिल्कुल सीधा रखवाएंगे, ताकि ये 2 घंटे शांति से बैठा रहे, नहीं तो पूरे दिन ऊधम करता है। मैम यार रोज बना दूँ थोड़ा? बना दूंगी बेटा, 1 सेकंड। रोज नहीं बनाऊंगी। क्यों नहीं? कुछ और बनाऊंगी। 1 सेकंड थोड़ा सा क्या करो। ये देखो हमारी मैडम की राइटिंग कितनी अच्छी है। आए हाय, तारीफ कर दी। और लड़के के डिजाइन देखो, मस्त। कैसा लग रहा है? वो मस्त लग रहा है सच में। बताओ मम, बहुत इधर इधर दिखाओ। थैंक यू। देखो कैसा लग रहा है मेरी राइटिंग, इससे पता चलता है कितनी अच्छी राइटिंग थी। हाँ मेरी। और आपके हाथों में क्या हो गया लक्ष्य? ये देखो क्या। अरे वो नहीं, स्किन आ रही है ना। अच्छा। स्किन आती है ना, सही नहीं है। हाँ। वाह, ऐसी राइटिंग लेना सीखो आप लक्ष्य। तो आज बन रहा है ये साबूदाना और आलू की टिक्की, जिसको खाया जाएगा अभी थोड़ी देर बाद। और मैडम इस ब्लॉग में अभी वॉइस ओवर इसलिए नहीं कर पा रही हैं क्योंकि उनका गला हो गया चौक। क्योंकि जब इतना सब तुम तल तल के खाओगे, और डॉक्टर बोल रहा है डोंट ईट ऑयली एंड स्पाइसी फूड, बट वो मानेंगे नहीं। हमको तो चाहिए, मतलब सोचो मिठाई मांग रहे थे, डॉक्टर ने मना करा और मिठाई मांग रहे हैं। तो अभी ये तैयारी चल रही है। अब देख, कुछ बोलना है? अब आप मुझे ये बताओ कि आप अच्छा तो निकल रही है, तो मुझे उल्लू बनाया जा रहा था इतनी देर। आप घर पे थे तो आप भी तो बोल सकते थे ना मुझे क्या? कि मतलब कि मत खाओ ये सब। इनसे मैंने सुबह पूछा, मैंने मिठाई खाओगी कि नहीं, नहीं मेरा गला खराब। पूरी मिठाई, अब इन्होंने मिठाई खाई नहीं, और मैंने और लक्ष्य ने पूरी मिठाई कर दी खत्म। तो अब शाम को क्यों, तुमने मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। मैंने कहा ये कहाँ का न्याय हुआ, खुद मना कर रहे हैं और रात को फिर मांग रहे हैं। मैंने ये नहीं बोला कि एक भी मत छोड़ना, छोड़ना चाहिए था ना आपको। नहीं तो जब कोई चीज नहीं खानी है तो नहीं खानी है। अच्छा तो आपको, आप लोगों को ये सब टिक्की बनाना तो आता होगा ना? इन सब लोगों को, सबको आता है। और रेसिपी मत घुसाओ इसमें। सबको आता है। अरे मैं घुसा नहीं रही, उनको तो दिख ही रहा है मैं क्या क्या डाल रही हूँ। हाँ तो बस इनको सब डाल के गोल बना के, चाहे गोल बना लो चाहे चपटी बना लो ऐसी। अच्छा हाँ सही तो कह रहे हो। और बस इसको ऑयल में सेक लो। अच्छा। बताने की जरूरत ही नहीं है कुछ, तो वो तो सब दिख रहा है ना। हाँ तो बस बोलने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा रेसिपी बताने की जरूरत ही नहीं है। ये मेरा गला कब सही होगा यार? मेरे पे इल्जाम पे इल्जाम। मैं तो सोच रहा हूँ गला तुम्हारा बिल्कुल सही हो जाएगा। लोग कहते हैं ना गर्म पानी से वो करो गरारे तो होता है, मैं कह रहा हूँ गर्म तेल से गरारे करो, गला कर सही हो जाएगा। आप मुझे मारने के लिए जा रहे हो ना? उससे मरते थोड़ी है, तो उससे गला बिल्कुल चौक हो जाएगा। तुम्हें कोई एहसास नहीं होगा खराब है कि बंद है कि फला है। देख रहे हो आप लोग, आप लोग बोलते बहुत प्यार करते हैं, जीजू बहुत प्यार करते हैं। देख रहे हो ये क्या कैसे कह रहे हैं मुझसे? ये तो लोग बोलते हैं प्यार की लड़ाई है, प्यार की लड़ाई ऐसी लड़ाई समझ में नहीं, नहीं आती। जब जो चीज लड़ाई है वो प्यार कैसे हो सकता है? प्यार की लड़ाई है। अरे है मुंह में पानी आ गया, क्या बात है, कैसे मस्त मस्त बनाती हूँ मैं चीज। तभी तो तुम्हारा गला खराब होता है। चाट तो सब दोनों हाथों से चाट जाते हो। अभी देखो अभी मैंने स्टार्ट कर दी, आज कर रही हूँ मैं कपड़े बॉस, तो आज तो मेरा सारा दिन निकलने वाला है ऐसे ही। मैं बहुत परेशान हो जाऊंगी कपड़े बॉस करते करते। और देख सकते हो आप अभी तो मशीन में बॉस हो रहे हैं कपड़े, चादर और पैरदाने वगैरह अभी बॉस करूंगी। तब तक मैंने ये डाल दिए, जब तक ये सूख जाएंगे तब तक वो आएंगे, तब तक धोके धोके नहीं धुल के मशीन में से। तो आप देखते रहना। हेलो जी, क्या हो रहा है? हेलो क्या हो रहा है? वो दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा। नहीं नहीं दिख रहा। थोड़ी हेल्प करवा दो वीडियो बनाने की बजाय। क्या हेल्प कराना है? सारे कपड़े तय लगा के रखने हैं। तय लगा के रखने हैं कि तय करके रखने हैं? मैं सबका अपना अपना तरीका होता है, मेरा यही तरीका है। तो आप खुद करो तय। कपड़े किसने धोए हैं? मैंने। तो
कौन करेगा तय पे? मैं तो करो फिर। अरे हेल्प तो करवा सकते हो ना। क्या हेल्प करानी है? हेल्प यही करानी है कि मतलब ऐसे पटकने हैं क्या? अरे नहीं, मैं अलग अलग करके रखूंगी, फिर मैं वो करूंगी। नहीं, अगर ऐसे पटकने हो तो मैं पटक दूंगा। अच्छा, मैं हटा दूंगा ऐसे पटकने होंगे। अभी तो मुझे ये सब करना है, ये भी मैं निकाल। क्या करना है बताओ? भैया, अच्छा ये सब कपड़े निकालने हैं क्या? ये नहीं रखने हैं दोबारा से। सफाई प्रोग्राम चल रहा है क्या? सफाई नहीं चल रहा यार, कपड़ों का तो मैं पता है ना, 7 दिन में मुझे करने ही पड़ते हैं। तुम रोज रोज ही कौन करता है यार ये? रोज कहाँ है यार, तुम्हारा अच्छा काम है यार। रोज ये देख लो भैया, अब इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें मेरे कितने कपड़े हैं और इनके कितने हैं। इनके इस वाले रूम में ये सारे इन्हीं के कपड़े हैं, ये देख लो। तो रोज में पहनते हैं ना यार। इसमें मेरे गिन के होंगे 5 कपड़े और अगर इस अलमीरा में रखे होंगे कम से कम इसके दुगने कपड़े इनके। तो ये डेली बियर वाले हैं। डेली बियर? सुनो, तो डेली बिस्की वाले कौन से हैं? मेरी बात सुनो। हाँ, इनके जी ज्यादा नखरे बता रहे ना, आपके उस वाले कमरे में, फिर मैं दिखा दूंगी। फिर दिखा दो मेरे को, कोई पूछ नहीं क्योंकि है ही नहीं इतने। और वैसे भी आप कौन सा पहनते हो? मैं तो पूरे दिन, समझ रहे हो ना तुम, बिना कपड़ों के रहता हूँ यार। सफाई बहुत हो जाती है थोड़ी देर, कितने सारे कपड़े रखने हैं मुझे। करता कौन है ये सब? मैं। देखो ये सिर्फ सीधे करके तय करके रखने थे और इनने जानबूझ के ये सब निकाल लिए। जानबूझ के नहीं यार। और आप मुझे बताया जा रहा है कि देखो मेरे पास कितना काम है। मेरे पास भी बहुत काम है, मैं चाहता हूँ ये पर्दे खोलूं फिर लगाऊं। सबको दिखा रहे पर्दे, आपने कभी खोले भी नहीं है। मैंने धोए हैं वो, मैंने ही लगाए हैं। ठीक है, ओके। अभी मैं, मुझे इतना सारा काम करना, कैसे करूंगी मैं? तो चलो करो इनको तय, ठीक है। लक्ष्य के अलग करके रखने हैं, इसमें मेरे और लक्ष्य के रहते हैं बस। इनको हमने निकाल दिया यहाँ से, इनकी जरूरत है नहीं। मतलब कुल मिला के बात ये है कि हम दोनों अलग अलग हो गए हैं। यस, पति पत्नी अलग हो गए हैं अभी। ये क्या चुभ रहा है? अलग हो गए हैं। सूट अलग रखूंगी मैं, टॉप अलग रखूंगी, शर्ट अलग रखूंगी, पजामी अलग रखूंगी, साड़ी अलग अलग रखूंगी। ठीक है, ठीक है, फिर आपको परेशानी नहीं होगी। अच्छा, आपको मतलब मुझे बोल रही हो कि इनको बोल रही हो? आपको। तो इधर देख के क्यों बोल रही हो? उसके पीछे तो आप ही हो ना। तो लेकिन उसके पीछे तो ये लोग हैं जो देख रहे हैं। रोने की जरूरत नहीं है, वो समझदार है। मैं रो नहीं रही, मैं खुजली हो रही थी। देखो कितनी खुजली होती है, ये साफ सफाई वाली है, इनको खुजली हो जाती है। मेरे गले की नहीं बोलोगे? गले को क्या हुआ है? डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने ये बोला कि चिल्लाना नहीं है, और कल भाई साहब 8 बजे से लेके 12 बजे तक सीधा भागवत गीता चली है पूरी रात। मुझे बदनाम किया जा रहा है। बदनाम वो होते हैं जिनके नाम होते हैं, ऐसी कहावत है। मैंने आपको कुछ नहीं बोला। तो अब ये देखो, काम था 25% और उसको बढ़ा के कर लिया है 75%। और फिर रात को कहेंगे मैं परेशान हो गई, इतना काम था, आप तो कुछ हेल्प नहीं कराते हो। और एक बात बताओ, इसमें मुश्किल से ये कुर्सी पर रखे वो कपड़ों की व्यवस्था लगानी थी, और इनने ये सब खुद ही काम बढ़ा लेते हैं। फिर कहते हैं हम तो इतना काम करती हैं, हम इतना काम करते हैं, बस ऊपर नीचे पता नहीं ये अपनी ड्रेस भूल जाती हैं कि क्या है, पता नहीं है। हर महीने यही काम है इनका, महीने के 7 दिन में काम है, भूल जाते हो। हाँ तो बढ़िया है वैसे टाइम पास। आपका बस चले ना, तो मुझे लग रहा है घर को कबाड़ा बना दे लड़के। लड़कों का पता नहीं, लेकिन आप तो एक्चुअली काम तो वैसे बहुत करती हैं ये, साफ सफाई तो बहुत रखती हैं, इस बात को तो मानना पड़ेगा। नहीं, हम दोनों अगर यहाँ रह जाएं और ये नहीं हो तो 7 दिन बाद कोई यहाँ रहने नहीं आएगा। अच्छा, मैं मार्केट जाती हूँ नगाए, तभी तक इन ऐसे ऐसा कर देते हैं ये दोनों घर को मिलके, बाप बेटे, कि मैं कुछ बता नहीं सकती। बर्तनों का ढेर, पूरे रूम में इधर उधर चीजें, ये सब करना तो ये हम ही तो संभालते हैं ना। अगर लेडीज नहीं होंगी तो आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। तो तुम्हें अगर ऐसे ही काम बढ़ा के चाहिए ना, तो तुम एक काम करो, तुम चले जाओ महीने भर के लिए, महीने भर में आया करो। कहाँ पे आया? यहाँ पे। हाँ।
तो सब तुम्हें बहुत गंदा मिलेगा। फिर पूरा अपना 7 दिन आराम से काम करो और फिर चले जाओ महीने भर के लिए, फिर गंदा मिलेगा। कहाँ पे जाओ? कहीं और, घर गांव कहीं घूम के आओ तो तुम्हें गंदगी मिलेगी तो तुम्हें काम भी मिलेगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि जैसे जिस तरीके से तुमने ये कुर्सी पर के कपड़े ही करने थे और तुमने इतना सारा मामला, तो कुर्सी वाले तो मैंने वॉश करे हैं, वॉश करके मैंने कुर्सी पर डाल दी, उनको मैं बाद में करूंगी। तो मैंने सोचा कि जब कर ही रही हूँ तो जो पहले वाले हैं तो उनको भी अच्छे से जमा के रख दूं। लेकिन अच्छी बात है, साफ सफाई रखनी चाहिए, ऐसी औरत होनी चाहिए। अब इंसल्ट कर रहे हो या सीरियस बोल रहे हो? अरे यार सीरियस बोल रहा हूँ, मुंह से ऐसे पहले बोलूं सीरियस? हाँ अच्छा काम करती हो, बहुत अच्छे रहते हो। मजाक, क्या बकवास कर दिया है तुमने जानू, पता नहीं चलता। अरे ऐसा क्यों करती रहती है जानू, पता नहीं चलता ना कि आप कब इंसल्ट कर रहे हो, कब तारीफ, कब प्यार। तो इससे पता लगता है कि तुम्हारे अंदर क्या सोच है मेरे प्रति। सोच तो दुनिया भी सोचेगी आपके प्रति कि भाई ये समझ में नहीं आ रहा। दुनिया तो सब अच्छा सोचती है। अच्छा और क्या, सही तो बोल रहे हो। दुनिया तो ये सोचती है कि अरे बढ़िया है। अभी मुझे सब चीजें अलग अलग, पता है मुझे सब चीजें अलग अलग रखनी पड़ती है। टी शर्ट्स अलग, शर्ट्स अलग, सूट अलग, कुर्ती अलग, पजामी अलग, लेगी अलग, सारी चीजें अलग अलग रखनी पड़ती हैं। तो अच्छी बात है, साफ सफाई रखनी चाहिए, ऐसी औरत होनी चाहिए। जी आ गया लक्ष्य, भाई साहब आ गए। लक्ष्य का हो गया था काम और उसकी पढ़ाई, आज उसका पेपर था तो उसका पेपर हो गया कम्प्लीट, मतलब हो गया है। तो मैंने सोचा कि एक दिन की छुट्टी मिलती है, फिर ज्यादा पढ़ाई भी नहीं करानी चाहिए बच्चों से, तो वो मेरी हेल्प कराने के लिए आ गया। थोड़ी सी हेल्प कराएगा और सारे दिन गाएगा, ये भी अपने पापा से कम नहीं है, ये भी पापा से कम नहीं पड़ रहा है। सारे दिन पापा से बोलेगा कि मैंने मम्मा की हेल्प कराई, मैंने मम्मा की हेल्प कराई। तो हेल्प कराई है ना इसको। अच्छा एक बात था, किसी ने किसी को थप्पड़ मारा तो वो क्या कहेगा? थप्पड़ मुझे मारा है, मुझे मारा है, यही तो। और किसी ने किसी को लाठी मारी हाँ। तो वो क्या कहेगा? लट्ठ। हाँ लट्ठ मारा तो क्या कहेगा कि मुझे मारा, मुझे मारा है हाँ। तो बात तो है कि ये तो हेल्प हल्की करो कि बड़ी करो, हेल्प तो हेल्प होती है। तो आप मेरी बड़ी हेल्प करो तो मैं हल्की तो करूं। डूबते को तिनके का सहारा, मतलब वो छोटी सी हेल्प भी तुम्हें नैया पार लगा देती। यार मुझे नहीं लगाती, तुम दोनों की हेल्प तो मेरे और नैया डुबा देती है मेरी। तभी तो मैं करता नहीं हूँ क्योंकि आप इन लोगों ने तो देखी है, आप मेरी हेल्प करवाते हो कितना काम फैलाते हो। हाँ तो तभी तो मैं नहीं करता ना। अच्छा तो कौन सा करते हो वैसे भी, अब बहाने मिल गए आपको। बहाने क्या मिल गए, अब तुम ये देखो पालतू में तुमने इतना काम बढ़ाया अपने लिए, जरूरत नहीं थी इतने सारे। अरे यार लड़कियां है ना, प्लीज जो भी लड़की मेरे वीडियो को देख रही है प्लीज कमेंट कर देना कि घर के कितने सारे काम होते हैं और हम लड़कियां ऐसे ही करती है, मैं अकेली नहीं करती, आप तो सिर्फ मुझसे मिले हो और लड़कियों से नहीं मिले हो। अच्छा नहीं मिला हूँ? नहीं, मेरी पूरी दुनिया में एक तू ही लड़की है, बाकी सब लड़के ही लड़के हैं। अरे यार मतलब उनके घर पे 24 घंटे थोड़ी रहे हो, मैं तो आपके साथ रहती हूँ, क्या काम करती हूँ इसलिए आपको पता है मैं क्या करती हूँ सारे दिन। अच्छा, अच्छा। हाँ तो वो लड़कियाँ भी ऐसे ही करती हैं। तो एक दिन छोड़ दो किसी के यहाँ 24 घंटे, चले जाओ, मैं कौन सा मना कर रही हूँ। तो कोई होनी भी तो चाहिए जिसके यहाँ जाऊँ। अरे जा, मेरी तरफ से छूट पट्टी है भैया, मैं नहीं रोकूंगी आपको बस। हाँ ये कह के अगले दिन आएंगे ना हम, तो फिर हमें पानी भी ना मिलना। अब ये ब्लैक साड़ी तो मैं मंदिर गई थी ना, आपने देखा वो पिछली वाली वीडियो में, तो मैंने वॉश कर दिया और मैंने ये धोके और अभी इसको रख दूंगी मैं अच्छे से, क्योंकि वॉश तो कर ही दिए, सारे कपड़े हो चुके हैं। जिस दिन कपड़े वॉश करते हैं सच में ऐसा लगता है कि आधा काम, मतलब बहुत वजन उतर गया। कपड़ों की तो हमसे पूछो, हम बोर्डिंग स्कूल में रहते थे, महीने भर में मतलब हर हफ्ते शनिवार सैटरडे छुट्टी, संडे छुट्टी मिलती थी तो सोचते थे कि तुरंत 5-6 बजे ही सवेरे ही धो दो, फिर पूरे दिन खेलो कूदो मौज करो। सच में जानू मैं तो, क्यों नहीं थी उस टाइम पे आपकी हेल्प कराती। भाई साहब हर हफ्ते कर करके उसको महीना भर हो जाता था, फिर टीचर कहते थे भाई अब तो धो लो यार। जानू मैं क्यों नहीं थी आपकी हेल्प कराने के लिए, मैं होनी चाहिए। बड़े नंबर लगते थे टंकी के आसपास, बहुत मैं होनी चाहिए थी, मुझे दया आ रही है आप पे। तो जब तुम वहाँ होती तो फिर यहाँ नहीं होती। देखो सही बात है, जब ये वहाँ होती तो हमको पता होता तो यहाँ नहीं होती फिर। ये क्या मतलब है? क्यों? मतलब मैं गंदी जो वहाँ थी उनसे हुई मेरी शादी? नहीं ना, नहीं। जो वहाँ थी उनसे मेरी शादी हुई? नहीं ना। अरे यार बात वो नहीं है, पर फिर भी अभी देखो लक्ष्य करवा रहा है मेरी हेल्प, वो कितना चालू है ये लड़का, मतलब कितना होशियार है। मम्मा आपके कपड़ों से हाथ नहीं लगाऊंगा, सिर्फ अपने कपड़े सही करूंगा और पापा के कपड़े सही करूंगा, ये कोई बात है?
फुल सपोर्ट पापा का है भैया। हमने लक्ष्य से पूछा एक दिन क्या कल ही पूछा, क्या पूछा था बता? हाँ तो मैंने पूछा था कि तू किससे प्यार करता है दोनों में से, तो कह रहा मैं दोनों को प्यार करता हूँ, तो एक एक से बता। तो इसकी मम्मी ने पूछा तू मुझसे प्यार करता है कि मुझे नहीं पता, और मैंने जब पूछा कि मुझसे प्यार करता है मैं दोनों से करता हूँ, तो इसका मतलब इसके लिए क्लियर मना कर दिया था। अच्छा ऐसा नहीं था, ठीक है। वो क्या है कि आपको पता है कि माँ डांटती है बच्चों को, भैया मैं तो डांटती हूँ अपने बच्चे को, कोई डांटे या ना डांटे। भैया कितने हैं? क्योंकि बहुत सारे, देख नहीं था कितना सारा काम है ये, तो मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया इसलिए बहुत सारा काम है। अब आप लोग बताओ कि मतलब माँ तो डांटती है सबकी, अगर दोनों माँ भी नहीं डांटे बाप भी नहीं डांटे, दोनों ना डांटे तो बच्चे बिगड़ नहीं जाएंगे, तो एक का डरना मतलब एक से डरना जरूरी है बच्चों का, मतलब एक का डरना जरूरी है, मतलब तेरा इशारा मेरी तरफ है। नहीं नहीं, और देखो लक्ष्य मैं कुछ लक्ष्य से मैं इतना मना कर रही थी बेटा मैं करूंगी, बस आप तो साइड में रखते जाओ। नहीं, पर वो मान ही नहीं रहा था, वो मान ही नहीं रहा था भाई, वो तो अपने अपने कपड़ों में लगा था, लेकिन उसको बहुत मजा आ रहा था मेरे साथ उसको काम करने में, काम इन द सेंस कम काम करता। यही समय होता है जब ना तो उस पर डांट पड़ती है ना उस पर कुछ मार पड़ती है, सब प्यार प्यार से होता है। अच्छा हाँ, इसमें भी डांट पड़ सकती है? हाँ नहीं पड़ती ना। और देखो लक्ष्य इतना एक्साइटेड है अपनी स्कूल ड्रेस पहनने के लिए, क्योंकि काफी टाइम से स्कूल गया नहीं है, तो अब बोलता है मम्मा मैं घर में ही स्कूल ड्रेस पहनूंगा, क्योंकि मतलब बहाने मारता है कि मम्मा छोटी हो जाएगी फिर क्या होगा उसका, तो मैं पहन लूंगा और उसको पहन के मुझे ऐसा फील होगा जैसे कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा चलो ठीक है पहन लो। तो अभी ये 2 दिन से स्कूल ड्रेस ही पहन रहा है। तो पहना तो 2 दिन से, ये 2 दिन है ये, आज तो कुर्ता पजामा पहन के नेताजी बन रहा है। अरे तो आज तो पहने, ये भी छोटे हो चले क्या करें, अब छोटे हो चले तो पहनाना तो है ही, फटते तो है नहीं बच्चों को। क्या चाहते हो, बच्चा बड़ा ना होना चाहिए? बच्चा बड़ा होना चाहिए, छोटे तो हमारे भी होते हैं। तो मैं पहन लेती हूँ ना आपके, तो ये पोटली की पोटली है, ये नी के कपड़े हैं, हमारे तो 10-8 कपड़े होंगे बस। तो 10-8 कपड़े क्या है ये, तो 10-8 तो होंगे ही आपके, हम तो हमारे तो देख पजामी अलग, चुन्नी अलग, सूट अलग, 3 कपड़े यही हो जाते हैं एक बार में, आपके क्या लो और टी शर्ट। सही बात, आप भी पहनो आपका, देखो जींस है। मतलब समझ रहे हो ना, ये वाली मेहनत तुम्हारे कारण है हमारे कारण नहीं। तो प्रेम कल से हम ऐसे रहेंगे तो आप ही बोलोगे ये क्या भेस बगरा ली है, कैसी हो, अच्छी नहीं लग रही हो, बगरा ली है, फैला लिए बगरा लिए, हमारे यहाँ यही बोलते हैं, उड़ेल दी। नहीं उड़ेल नहीं। अच्छी घड़ी चल रही है भैया, ये तो फैक्ट्री में काम, इतना तो फैक्ट्री में करते तुम तो पैसे तो मिलते। अब मेरे तो हो चुके हैं, मैं लक्ष्य के अलग से पैंट वेंट अलग रख दूंगी, एक बार ये बोल और टी शर्ट अलग रख दूंगी। ये क्या हो रहा, तय लगा रही हूँ कपड़ों की, तय लगा रही हूँ, तय लगा नहीं रही हूँ, तय कर रही हूँ। मैं तो तय लगा रही हूँ बोलती हूँ, स्टार्टिंग से ही मैं तय लगा रही हूँ बोलती हूँ, बस सबका अपना अपना रूल होता है, ये मेरा रूल है, आप अपना बना लो। और लक्ष्य यहाँ बता रहा है कि ये वाली टी शर्ट मेरी फेवरेट है, देख सकते हो आप, लक्ष्य की ये दोनों टी शर्ट बहुत फेवरेट है, बहुत ज्यादा ही। तो लक्ष्य की लेकिन और टी शर्ट तो छोटी भी हो गई ना, अब बस अब रिजेक्ट हो जाएंगे, अभी तो लेके आए, अब इसलिए नहीं लाए ज्यादा तो ठंड आने वाली थी, तो अब ठंड के कपड़े लेने पड़ेंगे, अभी सर्दियों वाले लेंगे तो सर्दियों में तो यही चल जाएंगे, टी शर्ट अंदर ही तो पहनना है और नए कपड़े तो है ही, बस अब लेंगे फिर सर्दियाँ खत्म हो जाएंगी तब लेंगे, अभी तो टी शर्ट लेके आए हैं, अभी क्या शॉपिंग करेंगे, अभी तो बस वो वाली करेंगे जैकेट वैकेट। लेकिन विंटर सीजन क्लोथ्स तो लेने पड़ेंगे ना। हाँ विंटर सीजन वाले पिछले साल के भी छोटे हो गए हैं ना, क्योंकि इसने लंबाई ज्यादा ले ली, इसलिए याद है ना लंबाई ले ली, तो वैसे तुम मुझे बुलाती हो, वो डिब्बा उतार देना, ये कर देना, तो कम से कम लड़का काम तो आएगा तुम्हारे। ना लड़के से नहीं करवाऊंगी, करवाऊंगी मैं आपसे, जिससे मुझे बहाना मिल जाएगा आपके साथ टाइम गुजारने का। वैसे तो आप आते नहीं, किसके साथ गुजारती, बकवास नहीं। जब मुझसे टाइम गुजारने के लिए टाइम चाहिए तो फिर वैसे किसके साथ गुजारती है? वैसे मैं किसी के साथ नहीं गुजारती, बट आप आते नहीं हो ना, ऑफिस में बिजी रहते हो सारे दिन ऑफिस में बिजी रहते हो, तो ऑफिस का काम तो करना है ना। अच्छा आप बताओ मेरा सूट कैसा लग रहा है? ये अच्छा लग रहा है, ये सूट बहुत पुराना हो गया, 2-2.5 साल पुराना है ये, इनका ब्याह भी नहीं हुआ था। फिर बच्चा कैसे हो गया, मतलब 2.5 साल पुराना है? हाँ तो आपने क्या समझा, शादी से पहले का? नहीं नहीं शादी से पहले का अभी कैसे आ जाएगा, तब तो मैं बहुत पतली थी, आपको याद नहीं है? मुझे नहीं याद इतना, भाई साहब अच्छी चीजें याद रहती हैं, ये कुछ जो बुरे सपने होते हैं वो याद नहीं रहते। अच्छा शादी बुरा सपना है, मतलब
एक वो रहता है ना, एक खुशी बस उसी समय रहती है जब नई चीज कोई आती है, तो उसी समय मतलब चीज नहीं, कोई भी नया काम होता है तो तब बड़ी एक्साइटमेंट रहती है। पर उसके बाद अभी मैंने देखो चादर भी अच्छे से रख दिया है, मैं कबर्ड में बैग में रखती हूँ चादर, जी थैले में रखती हूँ सारे, जिससे मुझे क्या है कि निकालने में आसानी रहती है, पता रहता है कौन सी चीज कहाँ रखी है। तो बस देखो मेरे हो चुके हैं कपड़े, मैंने थैला आगे रख दी अच्छे से, इसमें मेरी पजामी नाइटी और पजामी है, और इसमें मेरी सूट भी है और कुर्तियाँ भी हैं, डेली यूज वाले हैं इसमें सारे। इसमें लोअर टी शर्ट्स वगैरह हैं, टॉप वगैरह हैं इस वाले में, और ये लक्ष्य की साइड है, और ये लक्ष्य के पैंट्स वगैरह हैं, शॉर्ट्स वगैरह जो डेली में पहनता है और जिनकी अभी जरूरत। इसमें मैंने पता क्या है सॉक्स भर के रखी हैं, तो यही सब है इसमें। अब मेरा हो चुका ये वाला काम पूरा, और आज मैं बनाने जा रही हूँ। और अभी पता है ये वाली साड़ी मुझे रखनी है, ये लक्ष्य ने मेरी हेल्प ऐसी करवाई है, सिर्फ अपने अपने कपड़ों का कुछ सब कुछ किया है और मेरे कपड़ों का कुछ भी नहीं किया, अपने पापा के कपड़े और अपने कपड़े बस। आपके सबके बहुत लॉन्ग लॉन्ग है ना। अच्छा, तो मैं अपनी साड़ी भी रख दूं, क्योंकि मैं साड़ी इसमें रखती हूँ अभी, तो मैंने स्टोर रूम में रख दूंगी इसको, ठीक है बाद में रखूंगी फिर। और देखो हेलो चौक गए, ये सब मुँह क्यों बना रहे? अरे तो मेरे थोड़ी पता था वीडियो में। बोलो कुछ हाय हेलो हेलो मेरे हो गए? हाँ सारे कपड़े मैंने मदद करवाई, मेरे हो गए सारे कपड़े। आप मैंने आपको काजल क्यों पहनता है मेरा तुम्हें ही बता रहा हूँ, इसको पहुँच दो जरा, कभी कभी तुम भी फैल जाते। हाँ आजकल फैल तो गई हूँ मैं, थोड़ी मोटी हो गई हूँ। तो गाइस इनको करने दो काम और मैं जाती हूँ। सुन रहे हो हेलो लक्ष्य, मैं बस इनके कपड़े भी उस वाले इनके रूम में रख दूंगी, इनके कपड़े भी खोलना में भी ये गेट इनके कपड़े भी रख दूंगी, और बस फिर मैं जाऊंगी किचन में, किचन में ये यहाँ रख, ये रख, क्योंकि इनके कपड़े गेट लगा, क्योंकि इनके कपड़े एसी वाले रूम में रहते हैं, मैं अपने अलाउ नहीं करती। क्या करते हैं ये लोग कि अगर इनको अपने यहाँ मतलब अपने कपड़ों की जगह पे उसी वाले में रखने देंगे ना, तो ये लोग क्या करते हैं ना, सारे कपड़े इधर से उधर कर देते हैं मेरे, इसलिए मैंने इनको अलग ही कर दिया है। लक्ष्य बेबी ये देखो चींटी का क्यों उदाहरण दिया जाता है मेहनत करने के लिए, वो अपने से 100 गुना वजन उठाती है। ये देखो कितनी 6-7 चींटियां हैं जो एक अपने से कम 20-30 गुना वजन मिलके उठा रही होते हैं, इनमें अब झगड़े हो रहे हैं खाने के लिए, इसलिए ये खिसता जा रहा है और गिरता जा रहा है, नहीं तो ये इतना ऊंचा था यहाँ पे था यहाँ पे, तो अब आप देखो कहाँ पहुंच गया। तो इसलिए कहते हैं कि मेहनत करो, मेहनत करोगे तो सब कुछ मिलेगा, ये देखो मेहनत कर रही है। Oh, oh, oh.